नमस्कार, इंदौरिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदनी। बढ़ते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। कोटपुतली जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया रोड शो। रोड शो के दौरान पुराने फिल्म के गाने को चरितार्थ होते देखा गया। गाड़ी में होके सवार चले थे दूल्हे यार, एक और जहां कार्यकर्ताओं समर्थकों द्वारा माला व साफा पहनाकर भाजपा प्रत्याशी का स्वागत सत्कार किया जा रहा था, तो वहीं युवा समर्थक डीजे पर नाचते कूदते रोड शो में जान फूंकते देखे जा सकते थे। स्थानीय नगर पालिका पार्क के सामने गोयल मेडिकल स्टोर पर अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार गोयल के द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया, तो वहीं समर्थकों द्वारा एक के बाद एक माला पहनाई जाने का क्रम जारी रहा। वहीं गाड़ी में सवार कुछ नकाबपोश चेहरों को भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ देखकर लग रहा था कि 36 बिरादरी के लोग इस रोड शो में शामिल हो या ना हो, लेकिन जो शामिल थे उन पर यकीन किया जाना एक अनसुलझी पहेली के समान था। जो कल तक पुतला जलाया करते थे, समर्थकों में शामिल थे, जो विरोधी हुआ करते थे, आज नतमस्तक थे। बहरहाल, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की सूरत और सीरत को पहचानना आसान नहीं होता। विशेषकर राजनीति में पार्टियां कुछ लोग इस कदर बदल लिया करते हैं जैसे हर रोज किरदार के साथ परिधान बदल जाता है। रोड शो के बाद भाजपा के स्थानीय कार्यालय के शुभारंभ समारोह के दौरान कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा हंसराज पटेल को दुपट्टा पहनाकर पुणे भाजपा परिवार में शामिल किया गया, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का पुतला फूंकते जहर उगलते देखे जा सकते थे। बहरहाल, कार्यक्रम समारोह के दौरान लोकसभा सह संयोजक मुकेश गोयल द्वारा पूर्व सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा क्षेत्र में कराए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए गीले शिकवे छोड़ पिछली गलतियों को सुधारते हुए एकजुटता के साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पक्ष में मतदान किए जाने की जोरदार अपील करते कहा कि हम सब लोगों की एकजुटता देश की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान विक्रम सिंह तंवर, बनवारी लाल यादव, पूर्व चेयरमैन शंकरलाल सैनी, हंसराज पटेल आदि ने भी अपने विचार साझा किए। रोड शो के बाद कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यालय का शुभारंभ करते हुए जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि मोदी जी के नाम पर पूरा देश और खास तौर पर पूरा जयपुर ग्रामीण मोदी जी के रंग में रमा हुआ है। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति है जो देश में पूरी तरह से बदलाव ला सकते हैं। यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो गांव का विकास होगा। उन्होंने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि केंद्र में ग्रामीण भारत होगा और भारत का विकास होगा, क्योंकि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति यदि कोई है तो वह माननीय नरेंद्र मोदी ही है। गौरतलब बात यह है कि जहां लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे सर्वोपरि होने चाहिए थे, क्षेत्र विशेष में व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए कार्य विशेष रूप से चयनित किए जाते थे, इसके बजाय इस बार भी व्यक्ति विशेष चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। मुद्दों से इतर जुमलों और वादा खिलाफी की शिकार हो चली है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश की राजनीति। और मोदी जी ने तो विश्व का कोई देश नहीं छोड़ा है जहाँ पर भारत माता के नारे नहीं लगे हो, भारत की जय जयकार नहीं हो। और इसी के साथ ये पूरा जनसमूह, मैं इससे निवेदन करूंगा अपने अंतर्मन से हाथ जोड़कर कि हमसे कभी कोई चूक भी हुई है उन सबको भूलकर इस आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इस कोटपुतली से कर्नल साहब पिछली बार 66,000 मत मिले थे कर्नल साहब को, इस बार कोटपुतली से 1,00,000 मत कर्नल साहब को हम दिलाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर के जाए और इतना काम करे कि वास्तव में हर मतदाता मजबूर हो जाए कि मेरे पास कोई आया था तो बीजेपी का कार्यकर्ता आया था, मैं तो वोट उसी को दूंगा, ऐसा मन में हर मतदाता ठान ले। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बार जोरदार। देश को मजबूत किसने किया? देश को आगे किसने बढ़ाया? पाकिस्तान को किसने ठोका? जोर से बोलो। और जयपुर ग्रामीण को मजबूत किसने किया? युवाओं को अवसर किसने दिए? खिलाड़ियों को मजबूत किसने किया? ऐसे कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को आमंत्रित करता हूँ कि आए और इस युवा साथी मेरे बुजुर्ग जन, आप सबको सबसे पहले तो 5 साल बाद यहीं पर ही चुनाव के ठीक पहले ये सभा करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है 2014 में बारिश हो रही थी और हमने यहीं पर ही सभा करी थी और आज 5 साल बाद हम फिर यहां पर एकत्रित हुई हैं। समय वैसा ही है, चुनाव का माहौल है और पिछले 5 साल में कोटपुतली ने जो मुझे प्यार, मेरा समर्थन, जो आशीर्वाद दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आप कोटपुतली बहुत मेरे नजदीक है,
जितनी भी विधानसभा है, मुझे नहीं लगता कि कोटपुतली से ज्यादा मैं किसी विधानसभा में गया हूं या कोटपुतली से ज्यादा किसी विधानसभा में काम कराया हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीते जी इस देश में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ये सबका सौभाग्य नहीं होता कि अपने जीवन के अंदर अपने भारत को बदलता हुआ देखें। आपने जो 2014 में एक 30 साल पुराना जो रिकॉर्ड तोड़ा, उस रिकॉर्ड की वजह से भारत की पुरानी सियासत पूरी हिला दी। 2014 में आपने कोटपुतली के हर बूथ से जो मतदान दिया, उस मतदान से भारत के अंदर 30 साल से जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती थी, उस रिकॉर्ड को तोड़ा। पूर्ण बहुमत की सरकार क्या होती है, एक मजबूत सरकार क्या होती है, ये 30 साल से भारत की जनता को पता ही नहीं था। और 30 साल कम नहीं होते, इतने लंबे समय, इतने लंबे अरसे जो भारत की सरकार बनती थी प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्वास में, पूरा देश और खासतौर से जयपुर ग्रामीण मोदी जी के रंग में रमा हुआ है। पूरा एक अंडर करेंट है जो घर घर में है। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इतने सारे जो हमारे नागरिक हैं, इतने सालों तक उनको दरकिनार करा हुआ था, गांव को दरकिनार करा हुआ था। ये पहली बार है कि उन्हें विश्वास है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो गांव का विकास होगा। और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि जो विकास होगा अब उसकी केंद्र बिंदु ग्रामीण भारत होगा और गांव होगा। और गांव का सर्वांगीण विकास के लिए 25 लाख करोड़ रुपए अलग से रख दिए गए हैं। इससे हर गांव के अंदर सड़क, गांव के अंदर हर घर में पीने का पानी, नल के द्वारा घर घर में पीने का पानी, बैंक की सुविधा, बिजली हर घर के अंदर बिजली, और इस तरह से एक इस तरह का माहौल, शिक्षा इस तरह का माहौल बनेगा जहां हमारे नौजवानों को हुनर और आगे बढ़ने के लिए सहूलियत मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इसी कारण से देख रही है कि एक मजबूत प्रधानमंत्री तैयार है अपनी दूसरी इनिंग्स के लिए। और पूरे भारत की जो जनता है वो उनको आशीर्वाद देने के, बहुत से अच्छे लोग भाजपा को ज्वाइन करेंगे, देशभक्त लोग भाजपा को ज्वाइन करेंगे। गांव के अंदर जो दूसरी पार्टी को वोट देते थे, आज सब भाजपा को वोट देने को तैयार हो रहे हैं। दूसरी पार्टी के लोग जो उस पर कार्यकर्ता हैं, वो आज भाजपा को वोट देने को तैयार है उस पार्टी में रहते हुए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं हमसे आगे बढ़े, हम खुद आगे बढ़े। और उसके लिए आज बिल्कुल एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में सबको दिखाई दे